ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका रॉय। और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 5 सबसे बड़ी खबरों का। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर से एक फर्जी कॉल सेंटर का झंडा तोड़ दिया है, जिसने 1700 से ज्यादा लोगों को कर्ज देने के बहाने ठगा। इस सिलसिले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि उत्तम नगर में बाल उद्यान रोड पर फैजल और उसकी टीम इस साल फरवरी से दवा आपूर्ति स्टोर की आड़ में ये कॉल सेंटर चला रही थी। पुलिस ने एक रजिस्टर भी बरामद किया है, जिसमें उन लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल और लिस्ट है जिनके साथ इंटरव्यू की गई है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने हाल ही में एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक और पत्र जारी किया, जिसमें उसने अपने पत्नी और दिल्ली से जेल से बाहर ट्रांसफर की बात कही है, जिसका कारण जेल में उसकी जान को खतरा होना बताया गया है। तो वहीं इसके साथ साथ उसका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत है, इसलिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवम्बर से 4400 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है। 27 नवम्बर तक चलने वाले मेले का थीम इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। मेले का क्षेत्रफल 1979 के बाद यानी 40 सालों के बाद सबसे ज्यादा रहेगा। दिल्ली में शराब मामले में ईडी का एक्शन जारी है। जांच एजेंसी ने अरविंदो फार्मा के एमडी चर्ल्स रेड्डी और पेनरोड रिकॉर्ड के अधिकारी विनय बाबू को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें, इस मामले में सीबीआई ने अब तक 4 आरोपों को गिरफ्तार कर लिया है। निगम चुनावों के नजदीक आते ही भाजपा ने अपना पहला वचन पत्र जारी किया है, जिसमें दिल्ली के वासियों को फ्लैट देने का वादा किया गया है। तो वहीं इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और कहा कि 2015 से उन्होंने कई गारंटी लोगों में बांटी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्शन। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।